दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारी सभी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि अभी हम लाइफ लाइन की सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, और लाइफ लाइन हमारे हाथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही मेजर लाइन है। यह एक प्राइमरी लाइन है और इस लाइफ लाइन को देखकर हम बहुत सारी चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। उसके वाइटलिटी, किसी भी इंडिविजुअल के वाइटलिटी, एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, हेल्थ, उसका लाइफ कितना स्मूथ जाने वाला है। स्ट्रगल देखना हो तो भी लाइफ लाइन से पता चल सकता है। कोई अचीवमेंट देखना हो तो भी लाइफ लाइन से पता चल सकता है। कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, कुछ प्रमोशन होता है, तो वो भी हम लाइफ लाइन से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, हमारे पूरे वीडियो को देखिए। आज हम इन्हीं सारी बातों को चर्चा करने के लिए आए हैं लाइफ लाइन की अगली सीरीज में। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जो इस तरह से लाइन आई है। यहाँ पे लाइफ लाइन चल रही है और यहाँ से लाइफ लाइन क्या हो रही है, फेडेड हो रही है। तो जब लाइफ लाइन फेड होती है तो क्या दर्शाती है? दोस्तों, लाइफ लाइन जब फेड होती है तो फिर किसी भी व्यक्ति के एनर्जी लेवल को घटने की ओर संकेत करती है। या तो वो व्यक्ति मोटा हो जाएगा, मोटापा के कारण उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन हो जाएगी, या फिर किसी किसी या फिर कुछ बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। इस कारण से उस व्यक्ति का जो है लाइफ लाइन के एक खास पीरियड के बाद जो है वो फेड होने लगता है। यदि लाइफ लाइन फेड हो तो व्यक्ति के लो लेवल एनर्जी को शो करता है, हेल्थ इशू को दर्शाता है और यह मोटापा को भी दर्शा सकता है। इसके आगे हम चलते हैं, विभिन्न टाइप्स ऑफ सिंबल्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में वर्ग स्क्वायर जब लाइफ लाइन पे होता है तो फिर वो किस क्या काम करता है, या फिर रेक्टेंगल जब काम होता है, रेक्टेंगल जब लाइफ लाइन पे होता है तब वो क्या काम करता है, किस तरह से वो प्रोटेक्ट करता है, वो हमने बातें की थी। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स के बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। और यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति के लाइफ लाइन पे यदि त्रिभुज हो तो क्या दर्शाती है? मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज हो, या फिर यहाँ पे त्रिभुज हो, या फिर किसी किसी की लाइफ लाइन में यहाँ पे भी त्रिभुज रहता है, किसी की लाइफ लाइन में यहाँ पे भी त्रिभुज रहता है। त्रिभुज जो है यह बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। यदि त्रिभुज किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है तो उस पार्टिकुलर पीरियड में यह स्पैन, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का स्पैन जो होता है लगभग 6 to 7 ईयर्स या 8 ईयर्स लिया जाए, तो यदि यहाँ से शुरुआत किया जाए तो लगभग 23 से लेकर के 30 के पीरियड में यह व्यक्ति कुछ ना कुछ अचीवमेंट पाएगा। 23 से लेकर के 30 के बीच में अचीवमेंट, वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी हो सकता है। यदि वो अध्ययनरत है वह व्यक्ति, तो वह अच्छी मार्क्स से पास होगा, या फिर वो गोल्ड मेडल लेगा, या फिर वो प्राइज लेगा। मीन्स कुछ न कुछ वो अपग्रेडेशन, आपके लाइफ के अपग्रेडेशन के बारे में बताता है। यदि इस पीरियड में होता है तो यह पीरियड जो है लगभग, यह त्रिभुज जो है 37 से 44 के पीरियड का को दर्शाता है, तो इस पीरियड में भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ अचीवमेंट मिलेगा। या तो वह नया घर का निर्माण कर सकता है ऐसा व्यक्ति, या फिर उसको प्रमोशन भी हो सकता है वैसे व्यक्ति को। यदि वैसा व्यक्ति बिजनेसमैन है तो इस पार्टिकुलर पीरियड में अचानक से धन लाभ होने की भी संभावना होती है। तो ये सारी चीजें हमें त्रिभुज बताती है, यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन रेखा पे होती है तो। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ हाथ में
उसकी लाइफ लाइन पर यदि एक इस तरह से रेखा जाती है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि बृहस्पति पर्वत की ओर कोई भी रेखा जाती है, तो यह मान लिया जाए कि 31 का पीरियड है, तो इस 31 के पीरियड में उस व्यक्ति को कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा। या तो वह व्यक्ति यदि नौकरी की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो सरकारी नौकरी लगने की भी संभावना है। कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति को वो दर्शाता है इस तरह की लाइन। इस तरह की लाइन को इसलिए कभी कभी इच्छा पूर्ति की भी लाइन कही जाती है। बहुत सारे लोगों को कभी यहाँ पे भी रहता है। इस तरह से बहुत सारी अपग्रेडेशन लाइन ऑफसूट रहते हैं। तो ये ऑफसूट जो होता है उस व्यक्ति के पार्टिकुलर पीरियड, यह 31 का पीरियड हो गया, यह पीरियड 35 का पीरियड हो गया, यह 39 का पीरियड हो गया, यह पीरियड जो है लगभग 43 का पीरियड हो गया, यह पीरियड जो है 48 का पीरियड हो गया। तो इस सारे पीरियड में जो है इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगा, वह फाइनेंशियल अपग्रेड करेगा, या फिर उसे कुछ प्रमोशंस भी हो सकते हैं। यदि वह व्यक्ति बिजनेसमैन है, तो यह अचानक सफलता की ओर भी दर्शाता है। ये सारी चीज़ें दिखाती है जब कोई ऑफशूट हमारे लाइफ लाइन से निकल करके ऊपर की ओर जाती है। तो दोस्तों, आप अपने हाथों में इन सभी चिन्हों का मिलान करके आप देख सकते हैं कि आपको कोई अचीवमेंट तो प्राप्त नहीं होने वाली है। दोस्तों, इसके बाद हम ध्वज चिन्ह पे चलते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का चिन्ह बनता हो, पीरियड में यह व्यक्ति कोई ना कोई पताखा गाड़ेगा, कोई ना कोई झंडा गाड़ेगा, ताकि उसका और उसके परिवार का नाम रोशन होगा। यह पताका का चिन्ह बताता है। यह हिंदू पामिस्ट्री में ही सिर्फ पाया जाता है, यह वेस्टर्न पामिस्ट्री में नहीं देखा गया है जनरली इसे। ये कुछ जो है हमारे सिंबल्स जो हैं वो हिंदुइज्म सिंबल के रूप में लिए गए हैं। तो यदि किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी न किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में वो झंडा गाड़ेगा, ये दिखाता है। मतलब अपना और अपने फैमिली का नाम रोशन करेगा, अपनी जीवन को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यदि कोई क्रॉस का चिन्ह होता है तो फिर क्या होता है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथेली में क्रॉस का चिन्ह यदि आता है, तो यह शुभ नहीं माना जाता है जनरली। यह हेल्थ इश्यूज को बताता है। हेल्थ इश्यूज के साथ साथ यह सांसारिक सुख में नकारात्मक बदलाव को दिखाता है, यदि किसी भी व्यक्ति के लाइफ लाइन पर यदि क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यव का चिन्ह इस तरह का रहता है, इस तरह का चिन्ह रहता है, या फिर इस तरह का चिन्ह रहता है, तो यह यव का चिन्ह इसे कहा जाता है। और यह जो है यह भी शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है। यह ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति जो है लगभग, यहाँ पर एजिंग करें तो लगभग 32 का पीरियड आ रहा है, तो 32 के पीरियड तक यह व्यक्ति कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित रहेगा। इलनेस होगी या फिर कुछ एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं रहती है, इस तरह का यदि यव का चिन्ह होता है तो, या फिर कुछ गंभीर बीमारी होने के भी संकेत को दर्शाते हैं। हालांकि जनरली अधिकांश लोगों के हाथों में जब शुरुआती जीवन रेखा में जो है यव के चिन्ह पाए ही जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक बच्चा का लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगलफुल हो सकता है, होता है। तो जिनका लाइफ ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहता है, उनके जीवन रेखा पर यव चिन्ह भी होते हैं। तो यह यव चिन्ह जो है हमारे पामिस्ट्री में शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यदि फिश का सिंबल होता है उसके लाइफ लाइन पे, तो फिर क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के जीवन रेखा पर, केतु पर्वत पर, यदि इस तरह का फिश सिंबल पाया जाता है, तो यह फिश सिंबल दर्शाता है कि वह व्यक्ति हमेशा अपने लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता रहेगा। इवन यदि ऐसे व्यक्ति के यदि 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो ये सोचेगा कि अगला महीना जो हम कमाएं तो वो 1.5 लाख रुपये कमाएं, 2 लाख रुपये कमाएं, अगले साल हम कमाएं तो कोशिश करें तो हम कमाएं 4 लाख रुपये कमाएं। इस तरह से वो कभी भी किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर ये हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहने की कोशिश करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में यह जीवन रेखा पर
यदि फिश सिंबल पाया जाता है तो इस इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। यह बहुत ही एक शुभ चिन्ह है और यह व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा और एनर्जेटिक फील करने के साथ साथ जो है अपने परिवार या फिर अपने लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ सिंबल्स जो लाइफ लाइन पर पाए जाते हैं हमने डिस्कस किया, और यदि कुछ सिंबल्स और भी होते हैं और यदि छूट गए हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।